सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो कैसे क्रिएट करना है इसकी पूरी जानकारी दी थी, और आज के इस वीडियो में मैं आपको विद इन 1 सेकेंड में आप पासपोर्ट साइज फोटो कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोटोशॉप को ओपन किया है, और जैसे ही मैं F2 बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपके क्रिएट हो जाएंगे। सो ये मैंने कैसे किया इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोटोशॉप को ओपन करना है। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है और आपका फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको फोटो को क्रॉप करना है। उसके लिए आप क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इसकी 4.5 सेंटीमीटर रखनी है, और इसे आपको क्रॉप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर सकते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक्शन की का यूज करने वाला हूँ। सो फोटो एडिट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करना है। विंडोज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। अल्ट F9 प्रेस करके भी एक्शन की को ओपन कर सकते हैं। सो मैं एक्शन की पे प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे एक्शन की ओपन हो जाएगी, और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और न्यू सेट पे क्लिक करना है। सो न्यू सेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक नेम एंटर करना है, जैसे कि मैं पासपोर्ट यहाँ पे टाइप करूंगा और ओके पे प्रेस करूंगा। सो गाइस आपको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको न्यू एक्शन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आने के बाद आपको सेट में आपने जो सेट क्रिएट किया था उसको आपको सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आपको फंक्शन की को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे F3 सिलेक्ट करूंगा। F3 सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट करने जाऊंगा F3 बटन पे प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे आपको फाइनल क्या करना है, रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे प्रेस करना है। सो यहाँ पे जो आपने एक्शन की क्रिएट किया है वह रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आपको स्टॉप करना है तो यहाँ पे आप स्टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको Ctrl+N प्रेस करना है। Ctrl+N प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे 4x6 पेज क्रिएट करना है, जैसे कि मैं इसकी विड्थ 6 रखूंगा और हाइट इसकी 4 रखूंगा, और इसका रेजुलेशन जो है वह मैं 300 रखूंगा, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो आपका फोटो है उसे आपको क्या करना है, Ctrl+A एंड Ctrl+C प्रेस करना है। देन आपको क्या करना है, 4x6 पेज में आपको इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसे यहाँ पे सेट करना है। सो अभी आपको क्या करना है, इस फोटो को एक स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक के लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, Alt+E+S, और यहाँ पे आपका स्ट्रोक ओपन हो जाएगा। स्ट्रोक ओपन होने के बाद आपको इसकी विड्थ 2 पिक्सल एंड कलर ब्लैक चूज करना है, और ओके पे प्रेस करना है। ओके पे प्रेस करने के बाद आपका स्ट्रोक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो स्ट्रोक क्रिएट हो जाने के बाद आपको Ctrl+Alt प्रेस करना है, और देन आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको अभी क्या करना है, इस लेयर को अभी मर्ज करना है। लेयर को मर्ज करने के लिए Ctrl+E प्रेस कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, दोबारा से Ctrl+Alt प्रेस करके यहाँ पे आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपको दोबारा से Ctrl+E प्रेस करना है। देन Ctrl+Alt प्रेस करके आप इस तरीके से इसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग कंप्लीट हो जाने के बाद आपके एक्शन की यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और आपको यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करना है। सो स्टॉप पे क्लिक करने के बाद जो आपके एक्शन की है वो क्रिएट हो चुकी है, और उसका शॉर्टकट की F3 है। सो एक्शन की क्रिएट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे एक्शन की का यूज करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे एक्शन की का बटन प्रेस करने वाला हूँ। जैसे मैं एक्शन की का बटन प्रेस करूंगा इस तरीके से आपका पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट हो जाएगा। सो एक्शन की का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं, विद इन 1 सेकेंड में आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।